मैं विजय बवेजा, फाउंडर किचन एड डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, अपनी 65 की एज में विजी सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे किसी प्रकार की ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा नाम तरुण बवेजा है। हमारी कंपनी का नाम किचन एड डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1989 में। मेरे फादर श्री विजय बवेजा ने इनकॉर्पोरेट करी इस कंपनी को। हमारा जो बिज़नेस मॉडल है, होम एंड किचन रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हम वो लोग दिल्ली में और NCR में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारा डीलर नेटवर्क है, अराउंड 500-600 डीलर्स हम दिल्ली में करते हैं, और इसमें कई रिटेल फॉर्मेट भी आते हैं, कई लोकल फॉर्मेट्स भी हैं, और साथ में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है। तो तीनों प्लेटफॉर्म पर हम लोग काम करते हैं। हम लोगों ने बिज़ी शुरू करना किया था अप्रॉक्सीमेटली 12 साल पहले। 12 ईयर्स हो गए हमें बिज़ी यूज़ करते हुए। बिज़ी यूज़ करने के हमें कई फ़ायदे मिले और कई तरीके से हमारा बिज़नेस जो है ऑटोमेट हो गया बिज़ी यूज़ करने में। कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको भी आगे बताने वाला हूँ। अप्रॉक्सीमेटली फ़ीचर्स तो इसके अंदर बड़े सारे हैं, तो मैंने 5 या 6 फ़ीचर्स ऐसे हैं जो मेरे को लगा कि मेरे को आप लोगों को बताने चाहिए। तो फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर जो हम इसमें यूज़ करते हैं वो है ऑर्डर प्रोसेसिंग का। हम लोगों के यहाँ पर क्या है कि हमने सबको, अपने एम्प्लॉइज़ को, हमारे वेयर हाउस को रिमोट एक्सेस दिया हुआ है बिज़ी का। SQL सर्वर पर हम लोग काम करते हैं, तो हमने SQL सर्वर मॉडल लिया हुआ है इसके अंदर बिज़ी सॉफ्टवेयर के अंदर। अभी क्या होता है कि हमारी जितनी भी सेल्स टीम है वो लोग इसमें ऑर्डर पंच करते हैं, और हमारा वेयर हाउस जो है वो दूसरी लोकेशन से ऑर्डर पिक कर लेता है कि ऑर्डर वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली पिक हो जाते हैं और वो डिस्पैच स्टार्ट हो जाती है। जब भी वो डिस्पैच हो जाते हैं तो कौन सा ऑर्डर जो सप्लाई नहीं हुआ वो इसके अंदर हमारे को अलग से दिखाई देता रहता है, और उसके सामने हमने अपने वेंडर को क्या परचेज ऑर्डर देना है हमें वो देने में बहुत सहूलियत हो जाती है। तो इससे बिज़नेस भी आपका बढ़ता है और आपका जो ऑर्डर मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जनरली आपको बाकी सब सॉफ्टवेयर में ये नहीं मिलेगा। इसमें ये फीचर्स एक्स्ट्रा हैं कि इसकी जो ऑर्डर मैनेजमेंट है, ऑर्डर प्रोसेसिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। जिस तरह से मैं आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग का पॉइंट बता रहा था कि हमारी ऑर्डर मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गई, बहुत ज़्यादा आसान हो गई, उसी तरह से हमारे वेयर हाउस पे जो स्टॉक टेकिंग का काम है, या आप बोल सकते हो इन्वेंट्री रिकंसिलेशन का काम है, वो भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और आसान हो गया। इसमें पहले एक स्टॉक जनरल वाउचर तो थे, अबी लेटेस्ट जो फीचर ऐड किया है बिज़ी के अंदर वो फिज़िकल स्टॉक वाउचर का डाला है इन्होंने। उसमें क्या है कि आपका जो भी आपका फिज़िकल स्टॉक है, आप वो फिज़िकल स्टॉक की अपनी एंट्री कर दो अपने सिस्टम में, तो ऑटोमेटिकली क्या है वो उसका स्टॉक जनरल वाउचर बना देता है। तो आपको पता लगता रहेगा कि अगर आप, हम वेयर हाउस लोग अपने बोलते हैं कि आप इस ब्रांड की आप स्टॉक टेकिंग करके हमें स्टॉक, फिज़िकल स्टॉक वाउचर इनपुट कर दें, तो वो वहाँ से फिज़िकल स्टॉक वाउचर इनपुट करते हैं, हमारे को स्टॉक वाउचर जनरल बन जाता है अपने आप ही। तो हमें पता लग जाता है क्या स्टॉक प्लस हुआ, क्या माइनस हुआ, उसको हम दोबारा रिकनसाइल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि स्टॉक मिसमैच का कारण क्या था, और हम अपने स्टॉक को बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेटेस्ट फीचर आया ई इनवॉइसिंग का। ये बहुत ही आसानी से हो सकता है, इवन दो हमने अपने वेयर हाउस में या यहाँ पे आपको प्रॉपर अकाउंट्स के बंदों की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो बिल्कुल अकाउंट्स के एक्सपर्ट हो वैसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से भी लोग हैं वो भी ई वे बिल बड़ी आसानी से सिंगल क्लिक पे जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर हमारा जो हम बात कर रहे थे वो था यूज़र राइट्स का। यूज़र राइट्स में आप अपने यूज़र राइट्स, मतलब जो भी आपके पास एम्प्लॉइज़ हैं उनके यूज़र राइट्स डिफाइन कर सकते हैं कि किसके पास ऐड की ऑप्शन है, किसके पास मॉडिफाई करने की ऑप्शन है, कौन डिलीट कर सकता है। ये ईच एंड एवरी वाउचर पे यूज़र राइट्स डिफाइन हो सकते हैं, जो कि किसी भी बिज़नेस में पावर्स देने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। एट द सेम टाइम एक्सटेंडेड वर्जन है कि आप हर एक चीज़ के साथ अप्रूवल लगा सकते हैं कि कहाँ पे अगर मिनिमम सेल प्राइस ब्रीच होता है तो वहाँ पे आपको अप्रूवल विंडो में आ जाए, आपके मैनेजर उसको अप्रूव कर सकता है या आप खुद अप्रूव कर सकते हो, तो हर एक चीज़ के लिए अप्रूवल डिफाइन हो सकता है इसके अंदर। जो सबसे लेटेस्ट फीचर एडिशन हुआ है अभी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वो है व्हाट्सएप इंटीग्रेशन। आज व्हाट्सएप के इतने यूज़र्स हैं और उसको हमने बिजी के साथ इंटीग्रेट कर दिया, तो आप समझो कि आपकी लाइफ में आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। आज हम अपने, हमारे कस्टमर बेस है 500-600 डीलर्स हैं मेरे पास। मुझे कोई अगर पूछता है मेरा लेजर स्टेटमेंट या मेरी आउटस्टैंडिंग, मुझे मिनट्स लगते हैं वो उसको भेजने में, और हम एक तो मैनुअल भेजते हैं उसके साथ साथ वो ऑटोमेटेड भी हो जाता है। हमारे यहाँ पे कोई ऑर्डर पंच करता है, ऑर्डर भेजता है, तो ऑटोमेटिकली कन्फर्मेशन जाती है डीलर्स के पास कि भैया ये आपका ऑर्डर है। हमारे को तो इतना बेनिफिट हुआ कि हमारे को सामने से डीलर्स बोलते हैं कि आपने ये ऑर्डर डाला, हमारा ये साथ में ऐड कर देना माल आ रहा है। तो व्हाट्सएप इंटीग्रेशन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल फीचर है जो आज बिजी में यूज़ होता है। मैं सपोर्ट की बात करूं तो एज अ बिजी सॉफ्टवेयर जो कंपनी की सपोर्ट है बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट है, और कोई भी अगर R&D के लिए भी आप इनको पॉइंट्स देते हैं तो उस पर बहुत जल्दी काम होता है और आपको जल्दी रेजोल्यूशन मिलता है।
तो डिजीसॉफ्ट और बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दोनों हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहे हैं हमेशा, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए। बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।